हम आगे नहीं, मैं चंद्रवीर सिंह राठौड़। आज हम आपको ऊंचाई पे गाड़ी को कैसे चढ़ाया जाता है, रोकने के बाद में वापस वो पीछे नहीं आए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं आज। तो जो हिल क्लाइंबिंग बोलते हैं उसे, चढ़ाई पे, जैसे कि अभी हम चढ़ाई पे पहुंच चुके हैं, तो लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करो ऊपर और आगे चलो थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई पे चल के, फिर स्टॉप करेंगे, लेफ्ट साइड भी मिरर में चेक कर लेंगे और चलो थोड़ा और चलो। अब रोक लो, आप क्लच दबा के पाँव ब्रेक पे ले लो, स्टॉप कर लो। तो गाड़ी सबसे पहले स्टॉप होते ही न्यूट्रल कर लिया आपने, फर्स्ट गियर पहले न्यूट्रल कर लो, है ना। अभी हैजार्ड लाइट ऑन कर दो। तो ये जो स्विच होता है ये हैजार्ड लाइट का होता है, और ये देख सकते हो आप चारों इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं इसमें। तो हैजार्ड का मतलब होता है खतरा। तो इसमें क्या करना होता है हमें कि अभी जैसे आप फुट ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी पीछे जाएगी। छोड़ो, देखे ब्रेक जा रही है पीछे, छोड़ो ब्रेक, छोड़ो जा रही है। तो ठीक है, ऐसे में क्या है हमें हैंड ब्रेक लगा लेना है, लगाओ। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पीछे भी गाड़ी आके खड़ी हो जाती है और आगे भी कार होती है, पुलिया वगैरह पे जाम लग जाता है पहाड़ी इलाके में या घर के रैंप में अगर हम अंदर पार करते हैं गाड़ी को, तो उसमें पीछे भी गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाएगी। तो ब्रेक पेडल फ्री करते ही गाड़ी पीछे मूव करेगी। अब पीछे मूव करेगी तो पीछे वाला हॉर्न देगा, क्योंकि हमारी गाड़ी उसमें टच होने की सिचुएशन क्रिएट करेगी, तो वो हॉर्न देके बताएगा कि भाई थोड़ा आगे ले लो नहीं तो पीछे टकरा जाएगी। तो ऐसे में हमने हैंड ब्रेक अप्लाई कर दिया है, तो इससे क्या है कि हमारी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। अभी ब्रेक पेडल फ्री करो, अब जा रही है पीछे, नहीं जा रही ना। तो अब इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले क्लच दबा लो आप, फर्स्ट गियर लगा लो और हाथ हैंड ब्रेक पर रहेगा। अब एक्सीलेटर लेंगे अकॉर्डिंग टू हाइट, जैसे हम रेस देके क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी झटका खाएगी, उस टाइम हमें हैंड ब्रेक डाउन कर देना है और क्लच को भी थोड़ा स्लो छोड़ना है ना। रेस लो पहले और लो एक्सीलेटर, और एक्सीलेटर लो, अब क्लच छोड़ो धीरे धीरे। देखो आपने क्लच पूरा छोड़ दिया, हैंड ब्रेक भी एकदम से झटके से हटा दिया है ना। हैंड ब्रेक तो हटा सकते हैं लेकिन क्लच आपने, जैसे ही आपने ब्रेक की तरफ कंसंट्रेट करा तो आगे गाड़ी का क्लच जो है झटके से छोड़ दिया। अभी स्टार्ट कर लो, हाथ हैंड ब्रेक पे ही रहेगा। हैंड ब्रेक अगर हटाने की, अगर नहीं भी हटाओगे ना तो गाड़ी रगड़ते हुए ले जाएगी पीछे वाले टायर को खींचते हुए, इतना पावर होता है कार में, है ना। तो अभी रेस लो, तो हैंड ब्रेक की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना जितना कंसंट्रेट हमें क्लच को रिलीज करने में करना है। चलो धीरे धीरे छोड़ो, और छोड़ो क्लच, क्लच छोड़ो और छोड़ो पहले क्लच थोड़ा सा, और छोड़ो पहले, और छोड़ो, झटका खाने दो गाड़ी को, हिलने दो। अब हैंड ब्रेक हटेगा ऊपर खींच के, और क्लच छोड़ो धीरे धीरे, परफेक्ट है बिल्कुल। अब की बार सही चलिए, स्टॉप कर लो, रोक लो, ठीक है। अब वापस से करेंगे, हैंड ब्रेक लगा लिए, हाथ हैंड ब्रेक पे ले आओ वापस से, और एक्सीलेटर देके धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। एक्सीलेट करो गाड़ी को, पहले रेस लेनी है। हाँ, क्लच छोड़ो आराम से शांतिपूर्वक, और छोड़ो, अब गाड़ी झटका खाई, अब हैंड ब्रेक डाउन कर दो, नीचे पूरा नीचे कर दो, चलो हाँ परफेक्ट है। स्टॉप कर लो, वापस रोक लो, ठीक है, न्यूट्रल कर लो, हैंड ब्रेक लगा लो विदाउट बटन। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ बाहर, अब आपको अकेले को करना है, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस ये नहीं हो गाड़ी बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, शांति से पेशेंस से, लेकिन गाड़ी ऐसा नहीं कि भागते हुए आगे चल जाए, रुके ही नहीं है ना। ओके, चलो लगाओ करो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि गाड़ी अभी हिल पे खड़ी है और अभी ये हैंड ब्रेक, तो सबसे पहले गियर लगा लिया आपने, हाँ, तो फर्स्ट गियर है, एक्सीलेटर देके क्लच छोड़ो धीरे धीरे, और छोड़ो क्लच, हाँ और छोड़ो पहले क्लच, जैसे ही गाड़ी झटका खाएगी। अब हैंड ब्रेक हटा दो, सही है, वापस रोक लो, परफेक्ट है, फिर हैंड ब्रेक लगा लो वापस, अब चलो वापस से। तो देखा आपने जैसे कि अभी इन्होंने खुद ने भी करा, तो अब वापस से इनसे करवाते हैं। तो अभी एक्सीलेटर ले लो थोड़ा, क्लच आराम से छोड़ना बस, है ना, और ले लो और छोड़ो क्लच थोड़ा, और छोड़ो, अब हैंड ब्रेक हटा दो, परफेक्ट है, रोक लो, स्टॉप कर लो,
तो फिर से वापस से करो एक बार। हाँ गियर में तो ऑलरेडी है ही हमारी गाड़ी। चलो रेस लेके क्लच छोड़ो धीरे धीरे। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हाइट पे बिल्कुल परफेक्ट है। रोक लो, स्टॉप कर लो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।